पेपर लेके जा रहे हैं। ओके अब हम जा रहे हैं अपनी सीट पर बैठने के लिए। ये आप देख सकते हैं कबाब जीज का व्यू, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है क्योंकि आज संडे भी है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। और आज यहाँ पर आए हैं सिर्फ मुइज़ और मैं, आज हम दोनों डिनर करेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज मुइज़ और मैं आए हुए हैं कबाब जीज डिनर करने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए क्योंकि आजकल वैसे ही काफ़ी कम व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की व्लॉग की तरफ। कार्ड आ चुका है और मुइज़ मेन्यू कार्ड को छोड़ के मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। मुइज़ क्या कर रहे हैं? मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। क्या खाना है आज आपने मुइज़? स्टेक मंगवाना है। तो एज़ यूजुअली स्टेक ही खाना होता है हमेशा, मुझे तो स्टेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो आज भी शायद स्टेक ही ऑर्डर करते हैं। चलें देखते हैं कि मैंने क्या खाना है आज। ये रहा यहाँ का मेन्यू कार्ड। यहाँ के रेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, बस यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह जो है वो बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा बना हुआ है और रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर। मैं ये स्पाइसी मैक्सिकन विंग्स मंगवा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी देखते हैं कि क्या मंगवाया जाए। मुझे और क्या मंगवाना है? मैं तो मोरिगन स्टिक मंगवानी है। अच्छा जी, मुझे स्टिक मंगवा रहे हैं और मैं क्या मंगवाऊँ जी? हम चलें जी, हम देखते हैं कुछ चाइनीज़ में। चाइनीज़ में क्या मुझे बता दें? क्या ऑर्डर करना है? यार स्टेक मंगाया है और आपके लिए जो है चिकन मंचूरियन विद राइस। आज की ट्रीट आप दे रहे हैं? तुम क्या बोल के लाई हो? जी बिल्कुल याद है मुझे। ये चिकन है जी, मुझे यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। और कौन सा स्पाइसी होती है? नॉर्मल नॉर्मल है। और चिकन मंचूरियन एक मोरक्कन स्टिक होगी सर, चिकन बीफ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। वो कह रहे हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमारा ऑर्डर आने में, 30 मिनट्स का बोला है उन्होंने, तो जब तक हम वेट करते हैं। भूख तो लग रही है, मुझे भूख लग रही है आपको? सो थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी। चलिए, मासूम बने हुए आज मुइज। आज की रेट जो है वो मुइज़ को मेरी तरफ से मिल रही है, फर्स्ट टाइम शादी के बाद, है ना मुइज़? फर्स्ट टाइम दे रही हूँ ना मैं आपको ट्रीट, आज फर्स्ट टाइम ट्रीट मैं मुइज़ को दे रही हूँ शादी के बाद। मुइज़ कैसे लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आप जो ट्रीट दे मैं ट्रीट दे रही थी इसलिए अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप और मैं अलग अलग ही, आप दो मैं दो, एक ही बात है ना। पैसे तो आपके जा रहे हैं। हमारे पैसे भी एक ही हैं, है ना? नहीं, आपकी जो सेविंग है उसमें से जा रहा है। सही, कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ। और आज आप लोगों को बताऊं, आज मैंने मेरी काफ़ी दिनों के बाद तारीफ़ की है कि मैं अच्छी लग रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत कम है इसलिए अच्छी लग रही हूँ, वरना अगर लाइट ज़्यादा होती तो अच्छी नहीं लग रही होती, है ना? ये हाल होता है शादी के बाद। अच्छी लग रही है आज, मतलब कि आज तो रोशनी है ना ये देखें आप लोग, यहाँ पे लाइट कम है तो मैं अच्छी लग रही हूँ। हमारा ऑर्डर आ चुका है, यमी यमी, बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। और ये है फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस है। ये मुइज़ की फेवरेट स्टेक है, ये मुइज़ की फेवरेट। और ये फ्राइज हैं और ये मंचूरियन। गर्मा गर्म खाना है और अब हम जल्दी से खाते हैं, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। ये देख
सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। स्पून और फॉर्क वगैरह भी इन्होंने इस तरह से पैक करके रखे हैं। अब जल्दी से हम डिनर एंजॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। आ चुका है और मुइस कितना बिल है? और खाना हम लोग खा चुके हैं, बिल आ चुका है, डिनर हमने कर लिया है जी। अब मुइस कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। मुइस कैसा लगा आपको आज का डिनर? बहुत अच्छा था। और मुझे जो है फ्राइड राइस बस सही लगे, इतने ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगे। तो डिनर हमारा हो चुका है, अब हमने बिल पे किया है, बस जल्दी से बिल आ जाए तो फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं। मैं आपको नीचे का एनवायरनमेंट दिखाती हूँ कि यहाँ पे नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर का एनवायरनमेंट किस तरह का है और कैसे सारा सेटअप है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वहाँ की जो है लिफ्ट ख़राब है तो हमें बाय स्टेयर नीचे जाना पड़ रहा है, तो चलते हैं नीचे। यहाँ पे फाउंटेन बना हुआ है, देखें कितना प्यारा खूबसूरत बना हुआ है फाउंटेन बना हुआ है यहाँ पे पूरा। और ये देखें कितना अच्छा डेकोर किया हुआ है इन्होंने पूरे इसको, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है यहाँ पे। और आज आप देखें रश कितना ज़्यादा हो रहा है यहाँ, पूरा प्ले एरिया भी है यहाँ पे, सब कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखें यहाँ पे इन्होंने डिज़र्ट बार बनाया हुआ है और मॉकटेल बार भी है, प्ले लैंड भी बना हुआ है, मतलब यहाँ पे आप आके फुल एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ आके आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और ये मुइस खड़े हुए फाउंटेन को देख रहे हैं। कहाँ जाना है? घर। अब घर जाना है? अब कहीं नहीं। आइसक्रीम खाने लेके जा रहे हैं? दूर जाओ मतलब के भी आइसक्रीम के लिए जाए मतलब खाने क्या हुआ? बीवी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। इतने दूर नहीं जा रहा मैं आइसक्रीम खिलाने, नहीं खिला रहा यहाँ से खा लो, लेकिन भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से खानी मुझे के बीस की आइसक्रीम खानी है, लेकिन चल रहे तो जी। अब हम जा रहे हैं के बीस ओरियो कोन खाने के लिए, मुइज हमें लेके जा रहे हैं ना मुइज। अब हम जा रहे हैं के बीस, ये यहाँ पे पूरी जंगल थीम है, जेब्रा है, काफ़ी सारे एनिमल्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि बच्चे आके इसको एंजॉय करें। और सेल्फीज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं यहाँ पे लोग, हम भी चले अब सेल्फी लेते हैं जल्दी से। ये देखें मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे मुइस का और वो मुझे छोड़ के वहाँ चले गए, पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। स्विंग्स लगे हुए हैं, सारी जंगल थीम दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे स्विंग्स हैं और ये कैंडी बार लगा हुआ है बच्चों के लिए। आइसक्रीम की जगह जेली ले लूँ मैं बच्ची हूँ क्या मुइस? ये नहीं खानी मुझे। ये देखें ये कह रहे हैं मुइस मैं आइसक्रीम ना खाऊं और ये खा लूँ, तो मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, दूर है वो थोड़ा यहाँ से, लेकिन चलते हैं। और में आए थे बाइक पे, आज हमने राइड की है बाइक की। ये मुइज़े हैं बाइक की भूल चुके हैं, वो दोबारा जा रहे हैं की लेने के लिए और मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। बाइक की भूल गए थे टेबल पर ही, अब वो गए हैं की लेने के लिए। मैंने सोचा बाहर खड़े रहने से बेहतर है कि अंदर बैठ के उनका वेट किया जाए, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ इसका। और ये देखे मेरे पीछे एलिफेंट है। मिल गई की? मिल गई मुइस को की मिल गई। अब हम जा रहे हैं घर बाइक, अब हम इस पे बैठेंगे और आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो यहाँ पर हम केबीज आ चुके हैं, मैं वेट कर रही हूँ आइसक्रीम का, मुइस लेने गए हैं मेरे लिए और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। काफ़ी दूर था लेकिन हम लोग फिर भी आए हैं क्योंकि मुझे आइसक्रीम खानी थी। आइसक्रीम के स्टॉल पे मेरे लिए आइसक्रीम ले रहे हैं और मैं बैठ के उनका वेट कर रही हूँ। मेरी ओरियो कोन आ चुकी है
थैंक यू। इतना खौर हूँ, कितना खौर करवाया है, गुस्से में आप गुस्से में। तो गाइस ये रही मेरी यमी सी ओरियो कोन। बहुत ही मज़ेदार। थैंक यू मोइस, फिर आपने खानी कैसी है? ओरियो कोन खा रहे हैं, मेरी कोन पे हमला हो चुका है। मजे की है ना, देखा जब भी मैं लेकर आई थी आपको ताकि आपका भी फायदा हो जाए। फायदा हो रहा है ना। मसरूफ है खाने में, इतना ज्यादा रश हो रहा है यहाँ पे, सब लोग आइसक्रीम खाने आ गए हैं आज। ये गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पे मुईज इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। काफ़ी ज़्यादा थी ये तो, मेरा पेट फुल हो चुका है, अब मुझसे नहीं खाई जा रही। मैंने आइसक्रीम फिनिश कर ली है, बहुत ही ज़्यादा यमी आइसक्रीम थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की आइसक्रीम, और बहुत ज़्यादा होती है जो मुझसे पूरी खाई नहीं जाती।